55 कैंकरी ई एक ऐसा प्लैनेट है जिसका 1/3 हिस्सा सॉलिड डायमंड से बना है। ये प्लैनेट ज़्यादातर कार्बन एलिमेंट से बना है और ये साइज़ में लगभग अर्थ के साइज से दोगुना है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये प्लैनेट अर्थ से लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है, यानी अगर आप लाइट की स्पीड से भी चलते हैं तो आपको इस प्लैनेट तक पहुंचने में 40 साल लगेंगे। ग्लीजी 4-3-6b ये प्लैनेट सही मायनों में एक स्ट्रेंज प्लैनेट है, क्योंकि इस प्लैनेट का सरफेस फुल्ली आइस से कवर्ड है। लेकिन जो चीज़ इस प्लैनेट को इतना स्ट्रेंज बनाती है वो है कि इसके सरफेस पर जो आइस है वो हमेशा 439 डिग्री सेल्सियस पर बर्न होती रहती है। लेकिन फिर इसकी आइस कभी पिघलती क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि वाटर के पार्टिकल्स हमेशा क्लोजली पैक्ड रहते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर सॉलिड आइस की तरह हमें दिखता है लेकिन कॉन्स्टेंटली बर्न भी होता रहता है। ये प्लैनेट अर्थ से 33 लाइट ईयर्स दूर है। ग्लीजी 581c साइंटिस्टों की माने तो ये प्लैनेट ऐसे तीन प्लैनेट्स में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस हैं लाइफ होने के। लेकिन ये प्लैनेट स्ट्रेंज इसलिए है क्योंकि ये अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करता, जिसकी वजह से इस प्लैनेट का एक साइड हमेशा स्टार को फेस करता है और दूसरा साइड स्टार को कभी फेस नहीं करता, जिसकी वजह से इसका एक साइड बहुत ही ज़्यादा गर्म है और आप जलने की तो छोड़िए डायरेक्ट इवेपोरेट ही हो जाएंगे, और एक साइड इतना ज़्यादा ठंडा है कि आप तुरंत फ्रीज हो जाएंगे। तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे इस प्लैनेट पर ह्यूमंस के जैसी लाइफ पॉसिबल हो सकती है? इस प्लैनेट के जो दो साइड हैं उनके बीच में एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि हैबिचुअल जोन में आता है, और यहाँ लाइफ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसका साइज़ लगभग अर्थ के साइज़ का 5.5 गुना है और ये सुपर अर्थ की कैटेगरी में आता है। हमने इस प्लैनेट पर एक मैसेज भी भेजा था 2008 में, जो कि 2029 तक वहाँ पहुँच पाएगा। अगर आपने कभी ओशन देखा होगा तो आपको ओशन के मैसिवनेस का अंदाज़ा हुआ होगा, जो कि देखने में अनंत लगता है। लेकिन जो अगला प्लैनेट है हमारी लिस्ट में ग्लीसी 1214b, उसका पूरा सरफेस ओशन से ढका हुआ है और इस प्लैनेट में पानी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस प्लैनेट की तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा वियर्ड हैं क्योंकि ये एक जायंट ब्लू बॉल जैसा लगता है। इस प्लैनेट की दूरी अर्थ से लगभग 40 लाइट ईयर्स है। कैपलर 452b ये प्लैनेट स्ट्रेंज से बहुत उल्टा है, लेकिन फिर भी ये प्लैनेट नंबर वन पर होना डिजर्व करता है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करा है उनमें से ये प्लैनेट अर्थ के सबसे सिमिलर है। इसे अर्थ 2.0 या अर्थ कज़न भी बोला जाता है। ये अर्थ से लगभग 1402 लाइट ईयर्स दूर है और इसे कैपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 23 जुलाई 2015 में डिस्कवर करा था। ये एक रॉकी प्लैनेट है और इसका मास 5 अर्थ के बराबर है। इस प्लैनेट का जो स्टार है वो भी हमारे सोलार सिस्टम के स्टार यानी सन जैसा है। इस प्लैनेट का अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स स्कोर है 0.84। इस इंडेक्स में 0 का मतलब होता है कि यह अर्थ से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, और 1 का मतलब होता है कि यह अर्थ से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। ये पहला ऐसा प्लैनेट है जो कि अपने स्टार के हैबिचुअल जोन में आता है और साथ ही साथ ये एक रॉकी प्लैनेट भी है। यहाँ लाइफ होने की संभावना सभी प्लैनेट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।